आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये लोकल कंट्रोल यूनिट शैंक फीडर का ये लोकल कंट्रोल यूनिट है। कुछ मॉडल में ये इसको डिजोकॉन्ट का जो लोकल कंट्रोल यूनिट होता है उसका मॉडल नंबर VLG20100। यहाँ पे हम देखते हैं इसके क्या क्या इनपुट्स आउटपुट्स हैं। यहाँ पे चेक करें, ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, ये फील्ड में लगा होता है ताकि फील्ड से हम इसकी स्पीड मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इसमें ऑटो मोड, ऑफ, लोकल मोड और लोकल स्टार्ट, ये सारे ऑप्शन इसमें एक सिलेक्टर में होते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे वो वाली सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे इसकी देखें, इसकी जो सप्लाई है 24 वोल्ट DC, इसकी सप्लाई है X4 के 1 और 2 पे। ये डिजिटल इनपुट है, ये यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे ये DO2 प्री सिलेक्ट लोकल मोड के लिए यूज़ हो रही है, DO1 फॉल्ट और फीडर स्टार्ट के लिए DI2। यहाँ से 24 वोल्ट जाएंगे और आगे किसी भी DO से होके यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ये इसकी एनालॉग इनपुट है और यहाँ पे देखें ये एनालॉग आउटपुट है। जो भी हम एनालॉग इनपुट इसको सेट पॉइंट दे रहे हैं वो यहाँ से आउट होकर तो फिर हमारे कंट्रोलर में जा रहा है। यहाँ पे देखें फीडर स्टार्ट, इसके लिए DO8 यूज़ की गई है, फॉल्ट के लिए DI3 कन्फिगर है, मेंटेनेंस स्विच DI4, लोकल मोड एक्टिव DO3 और रनिंग के लिए हमने DO4 का सिग्नल लिया हुआ है। जब वेव फीडर रनिंग में होगा तो ये DO हाई हो जाएगी और ये आगे जाके हम इसको यहाँ पे देखें कस्टमर कंट्रोल में हम इसको रनिंग सिग्नल के तौर पे एज आ DI यूज़ करेंगे और ये लोकल मोड एक्टिव का हमारा कस्टमर यानी लोकल PLC में ये शो हो जाएगा। तो ये इसका लोकल कंट्रोल यूनिट की डायग्राम थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।